ये गिरने वाला है भाई। अब स्क्रैचेस लगा के चेक करते हैं, आए जरा क्या लगता है आप लोगों को कि आपके प्रोटेक्टर ने आपकी स्क्रीन को कितना प्रोटेक्ट किया होगा, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, टूटा होगा कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके फ़ोन को कितना प्रोटेक्ट करता है, कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके फ़ोन को गिरने के बाद बचाता है, यानी हमारे डिस्प्ले को, हमारे फ़ोन को। तो हम स्टेप बाय स्टेप, मेरे पास ये सैमसंग का डिस्प्ले, हम स्टेप बाय स्टेप ये चेक करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा प्रोटेक्टर हमारी स्क्रीन को कितना सेव रखता है। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आपके तावन से मैं ये वीडियोस नई नई लाता हूँ और आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है। तो आज हम चेक करेंगे, मेरे पास मुख्तलिफ टाइप के प्रोटेक्टर हैं, मेरे पास 9D है, 5D है, ये भी 9D है, ये मेरे पास 9H प्रोटेक्टर है और ये है भाई 1AD प्रोटेक्टर। तो आज हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा प्रोटेक्टर हमारे फ़ोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा, लेट्स सी, देखते जाए। आज हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे सैमसंग के ऊपर, आप देखते जाएं। मेरे वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ख़ुद भी करें, अपने फैमिली मेम्बर से करवाएं, अपने दोस्तों से करवाएं, ताकि मैं मज़ीद और मेहनत करूं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं और जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। हम सबसे पहले सैमसंग का डिस्प्ले पर ट्राई करने वाले हैं। ये हमारा डिस्प्ले है सैमसंग का, A52 का डिस्प्ले है ये, इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं 9D प्रोटेक्टर। सबसे पहले चेक करेंगे 9D प्रोटेक्टर को, 9D प्रोटेक्टर आपस की बात है, ये बहुत जल्दी टूटने वाला है मुझे ये लगता है। वैसे तो 80 रुपये का प्रोटेक्टर भी मिलता है लेकिन ये महंगा है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 200 तक की है। अब तो देखते हैं कितने कीमती प्रोटेक्टर कितना प्रोटेक्ट करते हैं आपके कीमती मोबाइल को, लेट्स सी। ये निकाला हमने, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्रोटेक्टर जल्दी टूटने वाला है, आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है 9D प्रोटेक्टर लगवाने का, इसमें 21D भी है तो हम लोग तो 9D को चेक कर रहे हैं, 5D को चेक करेंगे फिर बताएंगे। ये प्रोटेक्टर इस पर लग चुका है बिल्कुल, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये प्रोटेक्टर कितना प्रोटेक्ट करता है इस डिस्प्ले को, हमारे इस डिस्प्ले को। हम कीज़ का यूज़ करेंगे फिर इसको ड्रॉप भी करेंगे, अब स्क्रैचेस लगा के चेक करते हैं, आए ज़रा। ये देख रहे हैं आप, मैं इसके ऊपर ये कीज़ इतनी स्क्रैच कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ें, फिर इसको लास्ट में हम इस डिस्प्ले को फेंक कर भी देखेंगे। ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्टर है भाई ये तो। अब इसको चेक करते हैं बहुत स्क्रैचेस के बाद, आप इसको देख सकते हैं कितने स्क्रैचेस के बाद स्क्रीन की क्या कंडीशन है। हमारी स्क्रीन नीट एंड क्लीन करने के बाद बिल्कुल फ्रेश है, यानी आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं इस प्रोटेक्टर पर 9D। अब सैमसंग का दूसरा डिस्प्ले है, इसको फेंक कर देख लेते हैं मेरे ख्याल से पहले, क्या कहते हैं गिरने वाला है भाई। गिरने के बाद भाई हमारा प्रोटेक्टर स्क्रीन भी बच गई है और हमारा प्रोटेक्टर टूटा है। देखें ये प्रोटेक्टर यहाँ से इस साइड से टूट चुका है और ये साइड भी टूट चुकी है, ये साइड भी टूट चुकी है। हमारी स्क्रीन आई थिंक बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा और अब स्ट्रेट फेंक के देखते हैं, हमने पहले बिल्कुल उसको अलग देखते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि आपके प्रोटेक्टर ने आपकी स्क्रीन को कितना प्रोटेक्ट किया होगा, क्या आप जानना चाहते हैं, लेट्स सी। देखिए ये खुद काफ़ी हद तक टूट चुका है, काफ़ी हद तक टूट चुका है, मुझे लगता है कि इसने आपकी स्क्रीन को डैमेज किया है। अब देखते हैं इसको उतार करके हमारी स्क्रीन की क्या कंडीशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब आप इस प्रोटेक्टर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखें ये खुद तो टूट चुका है लेकिन आपकी स्क्रीन बिल्कुल एज इट इज़ सेम, कोई क्रैक नहीं, कोई इसका गिलास नहीं टूटा, कोई स्क्रैच नहीं है, स्क्रैच लेस है बिल्कुल अभी तक।
तो अब हम इसके अलावा सेकंड प्रोटेक्टर ट्राई करते हैं। इस प्रोटेक्टर ने तो आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट किया। अब आई है बारी भाई 9H की। ये प्रोटेक्टर हम निकाल कर स्क्रीन पे लगाने वाले हैं। यह तो इससे बहुत बड़ा, चलो हम इसको आईफोन पे ट्राई करते हैं। ये हम आईफोन पे लगाने लगे हैं। ये प्रोटेक्टर है भाई AKD प्रोटेक्टर। इसको हम अपने आईफोन की स्क्रीन पे लगा कर देखेंगे कि क्या कंडीशन है और ये कितना आपके फ़ोन को महफूज रखता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस पर प्रोटेक्टर लग चुका है। ये मेरे पास आईफोन का डिस्प्ले है, आईफोन SS Max का डिस्प्ले है मेरे पास। इस पर मैंने ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है। अब इसके ऊपर इसको भी हम चेक करते हैं सैमसंग की तरह। पहले जिस तरह हमने सैमसंग के ऊपर कीज़ का यूज़ किया था वो करेंगे। इसमें से एयर रिमूव हो जाएगी तो ये अच्छे से पंच हो जाएगा। ये हमारा प्रोटेक्टर लग चुका है, देख सकते हैं आप। एक्सपर्ट हो गया हूँ भाई मैं तो प्रोटेक्टर लगाने में। अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि ये आपके लिए कितना रिलायबल है और ये प्रोटेक्टर आपको लगवाना फ़ायदेमंद है कि नहीं है। आप आए देखें, इस पर लिटिल बिट थोड़े बहुत आए हैं स्क्रैचेस। अब इसको ड्रॉप करके देखते हैं। गिरने वाला है ये डिस्प्ले। देखें डिस्प्ले, फ़ोन आपका किसी ऐसी कंडीशन में गिरे कि फ़ोन को इतने ज़ोर से झटका लगे कि वो स्क्रीन टूट जाए तो एक अलग बात है। तकरीबन 20% 30% भी अगर आपका प्रोटेक्टर आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है तो समझो प्रोटेक्टर आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हम इसको फेंक कर देखते हैं। स्ट्रेट फेंकने की वजह ये है कि हमें प्रोटेक्टर को चेक करना है, अदरवाइज इस कंडीशन से जाएगा नीचे तो ये डिस्प्ले लाजमी टूटेगा ही टूटेगा। ओ, इसका तो बहुत बुरा हाल हो गया है एक दफ़ा ही गिरने से। आप देखें नाज़रीन, हमने ये प्रोटेक्टर इस पर लगाया था, इसने हमारे स्क्रीन को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया। हमारी स्क्रीन बिल्कुल टूट चुकी है। ये बिल्कुल थका हुआ प्रोटेक्टर साबित हुआ है। ये 100 रुपीज़ का या 150 का है। तो इसने हमारे ये खुद दो हिस्सों में आया और इसने हमारे स्क्रीन को 6 हिस्सों में या 100 हिस्सों में कर दी है। आप ये देख रहे हैं आईफोन SS Max की स्क्रीन टूट चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस प्रोटेक्टर का। ये अब हम 5D को टेस्ट करेंगे अपने सैमसंग का ये डिस्प्ले है A32 का, इसके ऊपर टेस्ट करने वाले हैं कि ये कितना रिलायबल है। आपने देखा कि इस प्रोटेक्टर ने हमारे स्क्रीन को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया AKD ने। ये 80 रुपये या 100 रुपये का है या इससे थोड़ा सा महंगा होगा, 20 रुपीज़ 50 रुपीज़। अभी तक हमारा कामयाब प्रोटेक्टर है 9D। 5D को चेक करते हैं। देख रहे हैं नाज़रीन आप, अब इसको मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया, फिंगर प्रिंट्स नहीं होने चाहिए ताकि प्रोटेक्टर अच्छे से लग सके। देखें ये इतनी मेहनत करने का फ़ायदा तब है कि आप मेरी वीडियोस को देखें, वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ, बहुत टाइम भी लगता है हमें काम करने में, तो इसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इस पर 5D लगा कर देख रहे हैं। देखिए ये परचेज़ की वो प्रोटेक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि इस पर मेहनत नहीं होती है हमारी, हमारा ख़र्चा भी होता है मेहनत भी होती है, तो आप लोगों का काम बनता है कि हमें सपोर्ट करें। इसको लगा कर चेक करते हैं। ये लग चुका है, अच्छे से लगाएंगे ताकि जितना अच्छा प्रोटेक्टर लगेगा फिर प्रोटेक्शन का आइडिया होगा कि कितनी प्रोटेक्ट कर रही है स्क्रीन को ये प्रोटेक्टर। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर कीज़ का यूज़ करेंगे। इसके ऊपर लाइंस तो बहुत आ चुकी हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, नीट एंड क्लीन। अब इसका ड्रॉपिंग टेस्ट है कि हम इसको ड्रॉप करेंगे तो
कितना सेव करेगा हमारे डिस्प्ले को। 3, 2, 1 पिल्ले। ये प्रोटेक्टर देखें, ये है 5D। हमारा जो 9D था वो उसने काफ़ी प्रोटेक्ट किया था हमारी स्क्रीन को, और वो खुद 1 से 2 हिस्सों में हुआ था। और ये 5D जो है, चेक करते हैं, ये भी 2 हिस्सों में आया है, लेकिन स्क्रीन अंदर से टूट चुकी है, स्क्रीन अंदर से टूट गई है, देख सकते हैं आप। और ये कितना कम टूटा है, असल में कंडीशन बिल्कुल डिस्प्ले यानी ऐसी है कि डिस्प्ले की साइड की है। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें ये आइडिया हो सके कि कौन सा प्रोडक्टर हमारे लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है। ओजी ग्लास, इसको भी हम लाजमी ट्राई करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। ये आईफोन एस एस मैक्स का है, ये प्रोटेक्टर सबसे एक्सपेंसिव प्रोटेक्टर है, ये 1000 रुपीज़ का प्रोटेक्टर है, तो इसको तो टेस्ट करना लाजमी पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग, इसको सैमसंग पे ट्राई करते हैं। तो ये 1000 रुपीज़ का प्रोटेक्टर है भाई, इसको तो चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम पहले अपनी सैमसंग की जो स्क्रीन टूटी नहीं है हमारी, वो तो टूट चुकी है, आईफोन एस एस मैक्स भी टूट चुकी है, और सैमसंग A15 नहीं टूटी अभी तक। तो अगर इसने, इस प्रोटेक्टर ने स्क्रीन को बचाई रखा, तो इसका मतलब है ये प्रोटेक्टर सबसे बेस्ट होने वाला है। इसका अच्छा लगना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल एक्यूरेट लगना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको जज कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा प्रोटेक्टर है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये फिनिशिंग में सबसे अच्छा यही आया है, देख रहे हैं आप कैसा फिनिशिंग आई है इसकी। हम इसके ऊपर सबसे पहले कीज़ ट्राई करेंगे, मेरे पास हैमर नहीं है, नहीं तो मैं वो भी मार के आपको दिखाता। ये ओजी गिलास भाई, इस पे तो मैंने इतने ज़ोर से चाबियां मारी हैं, कोई निशान नहीं है इसके ऊपर, ज़बरदस्त, कोई निशान नहीं। बहुत अच्छा प्रोडक्टर साबित होने वाला है ये तो पता चलेगा ड्रॉप करने के बाद, लेट्स सी। तो इस प्रोडक्टर ने यानी 0 नंबर लिए, फिर हमारा 90 सबसे बेस्ट होगा। ये है ओजी गिलास, लेट्स सी। प्रोटेक्टर टूट गया है बुरे तरीके से, लेकिन काफ़ी प्रोटेक्ट किया है इसने भी स्क्रीन को, देख सकते हैं आप, ये फ्रंट ऊपर का हिस्सा टूटा है इसका। अब मैं इसको उतार के चेक करूँगा, हमारी स्क्रीन तो नहीं टूटी, आप ये देखें। लेकिन काफ़ी हद तक स्क्रीन इसमें भी नहीं टूटी, बच गई है स्क्रीन हमारी, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन नहीं टूटी, लेकिन ये प्रोटेक्टर खुद टूट चुका है। तो इसको हम कितने नंबर दें, 100 में से 60 तो बनते हैं मेरे ख्याल से, लास्ट 90 को लास्ट में फिर ट्राई कर दें। इस टाइम हमारी स्क्रीन टूट चुकी है, क्योंकि ये 3 से 4 दफ़ा गिरने के बाद काफ़ी सेंसिटिव थी, तो 3 से 4 दफ़ा गिरने के बाद हमारी स्क्रीन टूट गई है। तो हम इसको फिर भी, क्योंकि ये स्क्रीन 3 से 4 दफ़ा टूटी और फर्स्ट टाइम इस प्रोटेक्टर ने हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट किया, तो हम इसको 70 मार्क्स तो देंगे ही देंगे, 70 मार्क्स 90 को। ओजी ग्लास, इसने भी काफ़ी प्रोटेक्ट किया, इसको हम 60 मार्क्स देंगे। 5D को हम देंगे 50 मार्क्स, AKD को हम देंगे 30 मार्क्स, और जो नॉर्मल था प्रोटेक्टर उसको देंगे 10 मार्क्स। तो गाइज, आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी बेटर है। मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, करते रहें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।